फारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप आईनी और कानूनी मामलात की जो तकनीकी पहलू हैं उसके तो बहुत माहिर हैं ही, और तरमीम के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक तनाज़ा तो बनता हुआ नज़र आ ही रहा था सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, ये कितनी तशवीश की बात है। जजेस की कमेटी तब्दील हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया, बाकायदा ख़त लिखा। अवामी सतह पर आना चाहे इतनी बुरी बात ना हो, लेकिन जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये क्या बहुत ही तशवीशनाक बात है आपकी नज़र में भी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जुनैद साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त जुडिशरी को एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनको आपस में यकजहती इस्तेमाल करनी चाहिए। और देखें, पार्लियामान का काम है कानून बनाना, मगर जुडिशरी का काम है अगर कोई कानून बने अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल्स के राइट्स के खिलाफ, तो वो जुडिशियल रिव्यू में उस कानून को कल अदम करार दे सकते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये आया अंडर द ग्रेट डिमांड ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान के वकला की डिमांड थी, तहरीक थी कि ये आना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक यूनिलैटरल पावर थी कि वो जो आर्टिकल 184 के जो केसेस हैं और जो केसेस हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बेंचेस बनाते थे। तो हमारी ये डिमांड थी कि ये कमेटी होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर पार्लियामान ने ये कानून नाफिज किया, जिसके ऊपर क्या कहते अपील फाइल हुई। उसके बाद जब अपील फाइल हुई उसके खिलाफ, तो बेंच ने होल्ड किया कि ये कानून सही है। जब ये कानून सही आ गया तो बेंच बन गई, जो कमेटी बन गई चीफ जस्टिस साहब की, सीनियर प्यूनी जज की, और उसके बाद जो सीनियर जज है उनकी 3 मेंबर्स कमेटी विल डिसाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेंच। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया इसने इस फॉर्मेशन को कमेटी को तो रखा है, मगर उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और एक थर्ड जज जो सीनियर मोस्ट हो या ना हो, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। अब इसके ऊपर इख्तलाफ पैदा हो गया, इसके ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब ये जो कानून है जो पार्लियामान ने कहते हैं ये आर्टिकल 89 के नीचे ये नाफिज किया गया एज अ टेम्प्ररी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेम्प्ररी लेजिस्लेशन होती है जिसकी मियाद 4 महीने होती है, 120 डेज, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बना। ये गवर्नमेंट ने, ये पार्लियामान ने नहीं बनाया, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, ये गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया, इसका पार्लियामान के अंदर कोई रोल नहीं है। अब इसकी क्या हैसियत है, क्या ये कानून और आईनी पर ठीक है कि नहीं, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो ये कहती हैं कि हमेशा ऑर्डिनेंस जब नाफिज किया जाए जब कोई इमरजेंसी हो, क्या कोई इमरजेंसी थी जिसके नीचे हुकूमत वक्त ने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया? अब ये सारे मैटर जो है सब ज्यूडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटिशन फाइल हो गई हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी फाइल हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस चीज का अब फैसला, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वेदर दिस ऑर्डिनेंस इज वॉयलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर इट इज वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और या कि इसके अंदर आईनी तजादात है। मगर जहां तक कानून जब अभी पार्लियामान ने नहीं बनाया, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं सर। तो फारूक नाइक साहब, बेंचेस बनने पर एतराज़ होना, फैसलों में मुत्तफिक ना होना, ये तो होता ही रहा है, लेकिन बराह रास्त एक दूसरे पर सीनियर जजेस की जानिब से तंकीद करना, चेरी पिकिंग, वन मैन शो जैसे अल्फाज का इस्तेमाल, आप चूँकि तारीख के भी गवाह हैं, वाकिफ हैं, क्या ये जो इस वक्त हो रहा है ये मामला 90 की दहाई की सूरत हाल की तरह आपको दिख रहे हैं? यानी वाज तफरीक तो नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त? सुप्रीम कोर्ट में तो डिवीजन बिल्कुल क्लियर हो गई है इस वक्त। इसमें देखें, पहले एक वेल थी, एक पर्दा था जिसके पीछे ये बात होती थी कि देयर इज अ डिफरेंस एंड डिसेंट अमंगस्ट द जजेस, मगर इस वक्त ये जो बात है ये ओपन हो गई है, हर आवाम को पता चल गई है। जो जब भी रिजर्व सीट्स की भी जजमेंट्स आई, उसके पहले उससे 2 जजेस ने जो अपना नोट लिखा, उसके बाद जो डिटेल जजमेंट 8 जजेस की आई, उसके अंदर जो
अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नाम लिए गए, ये पहले कभी नहीं हुआ। जो मैं थोड़ा बहुत जो तालिब इल्म हूँ कानून का, मैंने ये कभी होते नहीं देखा। मगर मैं ये समझता हूँ ये मुल्क की अदलिया के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी अवाम का जो एक ट्रस्ट है कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अगर आपस में ये झगड़ा इस तरह के कहते हैं बाहर आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीसरा सतून है जुडिशरी, इसके लिए ये अच्छा नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। इनको चाहिए एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करें, ये अपना एक फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करके आपस में बैठ के ये जो तनाजा है, जो इख्तलाफात हैं, इसको क्या कहते हैं खत्म करें, इनका कोई क्या कहते हैं लामल तैयार करें, और उसके बाद कोई ऐसा नोट आना चाहिए, जजमेंट्स आनी चाहिए। डिसेंट करना हक है, डिसेंट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इखलाक के अंदर। फारूक साहब, जो बड़ी तस्वीर में एक तनाज़ा नज़र आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का वो मखसूस नशस्तों के हवाले से हुक्म है, जिस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर पा रहा। हुकूमत साफ आकर कहती है कि आयन व कानून के मनाफी, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। दरख्वास्त पर 8 जजेस का वजाहती ऑर्डर भी शामिल है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने 9 सवालात पूछे थे कि किस तरह ये वजाहती ऑर्डर आ गया बग़ैर किसी को फरीकैन को नोटिस किए बग़ैर, इसकी कोई कार्रवाई किए बग़ैर। तो उन्होंने उसका जो जवाब है अक्सरती फैसले में उस ऑर्डर को शामिल कर लिया। ये तनाज़ा आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या कोई इसका हल मौजूद है आपकी नज़र में? देखिए, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, मैं ये समझता हूँ ये जो जजमेंट आई है रिजर्व सीट्स के ऊपर, ये एक पॉपुलर जजमेंट है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पीटीआई फरीक भी नहीं थी, पीटीआई की कोई डिमांड भी कोई नहीं थी। ये तो एसआईसी की डिमांड थी कि उन्हें रिजर्व सीट्स दी जाएं। और कानून के मुताबिक फैसला किया गया पेशावर हाई कोर्ट ने 5 जजेस का। उसके बाद ये जो 185 की अपील आई, ये 184 की इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पिटिशन नहीं थी, ये अपील थी अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर जो कानून आज तक ले किया गया है, जो प्लीडिंग्स हैं, जो पिटिशन है, जो जवाबात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला करती है। मगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 जो कि एक पावर है उनके पास टू कंप्लीट जस्टिस, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पीटीआई को ये सीट्स दे दी। अब इसकी वजह से कंट्रोवर्सी अराइज हो गई है। उस जब ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई तो पार्लियामेंट ने जिसके पास पावर है, उनकी सुप्रीमेसी है टू पास द लॉज, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है टू इंटरप्रेट द लॉज, और गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है टू एग्जीक्यूट द लॉज। सो पार्लियामेंट ने ये फील किया कि ये जो जजमेंट है इट इज इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास कर दिया, इलेक्शन एक्ट के जो शिकें थी उनको चेंज कर दिया, और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की ऑन द रिजर्व सीट उसको नलीफाई कर दिया। ये पहले भी हुआ है, इंडिया में भी होता रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो जजमेंट्स हैं वो कहती हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू नलीफाई अ जजमेंट ऑन द बेसिस इफ इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने जो ये पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है वो अभी तक मौजूद है, उसको सेट असाइड नहीं किया गया। उसको सेट असाइड जब नहीं किया गया तो सवाल ये पैदा होता है क्या जजमेंट आगे आएगी या जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है आफ्टर दिस जजमेंट वो आगे आएगी। ये ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, और फिर यार ये मसला उठा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने जो, जब तक के पार्लियामेंट का जो नया लॉ आ गया है, जब तक उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा, इट ओवरटेक्स द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फारूक साहब, आपकी आपका एक मारूफ जुमला है, आप कहते हैं कि आइन के नीचे है ये चीज़ या फला आर्टिकल के नीचे है, तो ये मामला फिर आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के नीचे तय होगा? इलेक्शन कमीशन ने भी वही सवाल दोहराया है जिसका आपने जिक्र किया कि भाई जो अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, तो रहनुमाई की जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को, ये खुद ब खुद तय हो जाएगा या इसको किसी को तय करना पड़ेगा?
देखिए जी, ये तय अब अगर जब तक ये चैलेंज नहीं होगा, ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियमान है, जब तक तो मैं समझता हूं एक्ट को फौकियत है जजमेंट के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम के अंदर ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट को नलीफाई कर रहा है, ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ऊपर आ जाएगा और पार्लियामान का जो एक्ट है वो सेट असाइड हो जाएगा। दिस इज चेक एंड बैलेंसेस, दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। ये चेक्स एंड बैलेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें जुनेद साहब, आज जो मुल्क के अंदर जो बुरान पैदा हो रहा है वो तीन चीजों की वजह से हो रहा है जो मैं समझता हूँ। एक तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। जितनी भी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, 2018 को देख लें, 2024 को देख लें, ये मतनाजा रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का लाने का मकसद ये था कि ये एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस कराएंगे, मगर इन्होंने ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए ना फेयर इलेक्शंस कराए, क्योंकि कोई भी अवाम इसके अंदर खुश नहीं है। इसका मतलब है कि ये फेल हो चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में भी ये आया था। पूरी दुनिया में केयर टेकर का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली बांग्लादेश लेकर आया था, मगर बांग्लादेश ने भी कुछ सालों के बाद उस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया था, ओमिट कर दिया था। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके अंदर ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। और मैं ये समझता हूँ ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के भी खिलाफ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि स्टेट शैल बी गवर्न्ड थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आप क्या कहते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को देते ये आ जाए, ना इनके पास पावर है कानून बनाने की, ना इनके पास पावर है क्या कहते हैं कोई बड़ा काम करने की। तो ये जो दो तीन महीने, इस दफा तो साल लग गया, ये मुल्क की क्या कहते हैं सालमियत के लिए, मुल्क की क्या कहते हैं अपना सियासी क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। और इसको हमारे जो हुक्मरान पार्लियामान है और हुक्मरान है, उनको ये सोचना चाहिए क्या इस केयर टेकर गवर्नमेंट को रखें और ना रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके साथ 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 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी आज सवालिया निशान उठ रहा है हर तरफ से। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आईन में तरीका दिया गया है इनके मेंबर्स को और चेयरपर्सन को बनाने का, क्या वो सही है या उसको चेंज करना चाहिए, उनको इम्पावर करना चाहिए, इम्पावर इस तरह करना चाहिए कि वो बिल्कुल एक न्यूट्रल अदारे की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, ताकि कोई इस पर उंगली ना उठाए। जब वो उंगली नहीं उठेगी तो इलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो पार्लियामान है, उसको सोचना चाहिए क्या ये तरीका इख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को बनाने का, या सही है या इस वक्त वक्त आ गया है, जरूरत आ गई है कि हम इसके तरीके को भी बदलें और इंसाफ के पलड़े पर लाकर इनकी अपॉइंटमेंट की जाए। फारूक नाइक साहब, हम इस वक्त बड़े अहम दौराहे पर हैं आपके साथ इस गुफ्तगू में। आपने जिस बहरान की निशानदेही की है, जब भी कोई ऐसा बहरान पैदा होता है तो कोई ना कोई ज़रूर ये सवाल उठता है कि वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या होगा, इसका हल निकाल कर हमें आगे कैसे चलना है। आपकी नज़र में आगे का रास्ता क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तस्लीम किया जाए, जिस जमात के हक में वो फैसला है उसकी नशिस्तें उसको दी जाएं और पार्लियामेंट में उसका किरदार बहाल कर दिया जाए, इससे ये तनाज़ा ख़त्म होगा, इससे वो सेपरेशन ऑफ पावर अपनी जगह कायम हो जाएगी, तवाज़ुन रहेगा, या फिर इसका हल ये होगा कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है, जिस एक्ट की हवाला वो दे रहे हैं, जिस कानून का, उसको माना जाए, आगे बढ़ने का रास्ता वो बेहतर होगा। स्पीकर के ख़त में भी 104A और सेक्शन 66 का हवाला दिया गया है, उसको तस्लीम करना आगे चलने का रास्ता होगा, या सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरीती जजेस का फैसला मानना आगे चलने का रास्ता होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में मुब्तला हो चुका हुआ है। तमाम अवाम की नजरें, देखिए अवाम जो है ना, वो उसको पार्लियामान के एक्ट से इतना इतनी क्या कहते हैं क्या कहना चाहिए उर्दू के अंदर, दे आर नॉट कंसर्न्ड। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं बेसिकली, वो ये चाहते हैं कि उनको फैमिली को उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको घर मिले, उनकी जो फूड है फूड सिक्योरिटी हो, और ये जो क्या कहते हैं मुल्क के अंदर नफसा नफसी है, जो बदअमनी है वो ख़त्म हो। अगर ये सब बनने
के लिए बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं समझता हूं जो हुकूमत होती है उसको अवाम को पार्टनर बनाना चाहिए। जब तक अवाम और हुकूमत पार्टनर नहीं बनेगी, जब तक कि ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। पार्टनर बनाने का ये मकसद नहीं है, ये मतलब भी नहीं है कि आप अवाम से हर चीज पूछें। पार्टनर बनाने का ये मतलब है कि अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए आप कानून बनाएं, अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए आप कानूनी फैसले करें, आप अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए अपने मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करें। अगर एक अवाम एक शख्स है, उसको अगर आप खाने को तीन रोटियां, तीन वक्त की रोटी मिल जाती है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, उसको एक छत मिल जाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मगर आप उसको ये चीजें भी तीन ना दें जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, तो फिर वो आपका पार्टनर नहीं बनेगा। फिर वो यही होगा जो जो नफसा नफसी है, बदअमनी है, इस वो चलती रहेगी। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरान और हमारे मिनिस्टर्स, अब ये वक्त आ गया है कि वो आवाम से अपनी अपने ताल्लुक ठीक करें, उनसे राबता करें, उनकी तकालीफ सुने और उनकी तकालीफ को दूर करें। जब तक ये नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ना जमहूरियत के लिए अच्छी है, ना इंसाफ के लिए अच्छी है। जब अभी जुडिशरी में इतनी क्या कहते हैं गलती हैं, काम खामियां हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि एक दुखिया न्यूसी और बुसीदा जुडिशरी निजाम इस वक्त हमारे मुल्क पर नाफिज है। फारूक नाइक साहब, उसी के लिए आईनी तरमीम की भी बहुत बात हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का तो इख्तलाफ है, वो हुकूमत से इस बात पर मुतफिक नहीं हुए। हुकूमत अब खामोश है कई दिन से, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा खुलकर मौकफ सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आईनी अदालत जरूरी भी है, मजबूरी भी है, बनानी है, बनाकर रहेंगे आईनी अदालत। वो चाहते हैं कि कोई और वजीर आजम मुस्तकबिल में तख्तेदार पर मत जाए। क्या इस वक्त हालात है, क्या आईनी तरमीम का मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? और चूंकि आप भी काफी माहिर हैं कानूनी दस्तावेज के, तो ये बात बताएगी कि पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। देखिए जी, जहां तक आईनी अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है, वो जो आप मसौदे की बात कर रहे हैं, पैकेज की बात कर रहे हैं, ना मैंने उसको देखा ना मैंने उसको बनाया। मगर एज अ वाइस चेयरमैन, जब हमने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मिलकर, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कन्वेंशन कॉल की ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉयर्स, उसके अंदर पहली दफा मैंने सजेशन दी कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज रेफर करें, ताकि उस पर नजर सानी करके अपनी 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 जो सिफारिशात हैं वो आपको दें, क्योंकि हम भी एक लॉयर्स भी एक स्टेक होल्डर्स हैं आइन की चेंज के अंदर अंदर। तो उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस जैसे अपने सेनेटर आजम नजीर ताडर साहब ने मुझे वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का डॉक्यूमेंट दिया, जो कि मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के आगे रखा। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दो दफा डिलीबरेशन की, और हमने जो लास्ट डिलीबरेशन की कल, उसके अंदर हमने अपनी सिफारशात को फाइनल कर दिया है। जो हम चेंजेस चाहते हैं जो कानून और आईन के मुताबिक हों, मेरिट बेस्ड हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम साथ नहीं दे रहे, हम आवाम का साथ दे रहे हैं। उसमें आईनी अदालत का ख्याल शामिल है फारूक नाइक साहब? अच्छा जी, जहां तक आईनी अदालत का ताल्लुक है, मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ। देखिये, आईनी अदालत होनी चाहिए, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिये, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा बैकलॉग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलाक के भी केसेस आते हैं, जिनको सिविल एपेलेट कोर्ट भी है और क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। अब जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, जब वो सुनना शुरू कर देते हैं, तो उनका टाइम तमाम जजेस का उसके अंदर सर्फ हो जाता है। इसकी वजह से बैकलॉग, और इस वजह से और कुछ और वजूहत की वजह से भी बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को खाली क्रिमिनल और सिविल एपेलेट कोर्ट रखे, उसके वो फैसले करे, जैसे मर्डर केसेस में 10-10 साल पड़े हुए हैं। एक औरत का तलाक का मसला है, ना नतफे का मतलब है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड का कसरा है, वो भी 10-10 साल चलते हैं, तो इसकी वजह से और टीयर्स है, एक होना चाहिए अपील पर दर अपील होती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पावर पे एक ज्यूरिडिक्शन क्रिएट कर देते हैं, इसकी ये ज्यूरिडिक्शन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की खाली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेगी, वो कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जितनी भी वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसीज हैं और ईस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसीज हैं, तमाम उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं,
इंग्लैंड में नहीं है, उसकी वजह यह कि इंग्लैंड के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब आप देखें इंडोनेशिया के अंदर भी है, थाईलैंड के अंदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दें तो मैं समझता हूँ इस वक्त अवाम जो आम जो तासुर है दे आर इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, मगर मगर एक एक जो कदगन वो लगा रहे हैं, जो इबहम पैदा हो रहा है कि इनके जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, वो चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड हो। मैं इस बात पर इत्तफाक करता हूं और इसको एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल मेरिट बेस्ड होने चाहिए ताकि अच्छे जजेस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आए, क्योंकि अवाम की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है जी। अवाम की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और अशरफिया की जो कोर्ट है, मे भी कुछ लोगों को बुरा लगे, अशरफिया की कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी।